कोरोना काळात सर्व हॉटेल व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. त्यातच हॉटेल बंदच असल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली होती. कोरोना काळात सर्वात जास्त कोरोना नियमांचे आदेश हॉटेल व्यवसायावरच असल्याने मोठ्या आर्थिक नुकसानीला अनेकांना सामोरे जावे लागले. यातच आता कोरोना आकड्यात घसरण आल्याने राज्य सरकारने पुन्हा लॉकडाऊन बाबत आदेश जारी केले आहेत. यात मात्र पुन्हा इतर व्यावसायिक सोडून हॉटेल वेळेची मर्यादा मात्र वाढवून न दिल्याने सर्व हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. राज्य सरकारने रात्री 8 पर्यंत हॉटेलला परवानगी दिली आहे. त्यातही रविवारी हॉटेलमध्ये नागरिकांची येण्याची वेळ असल्याने तीच मर्यादा सरकारने नाकारल्याने 30 जुलैला रेस्टॉरंट लॉजिंग असोसिएशनच्या वतीने काड्या फिती लावून राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. इरविन चौकात अमरावती शहरातील सर्व हॉटेल व्यावसायिक जमा होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मुकमोर्चा काढण्यात आला. सरकार जगाव व्यापार बचाव असे नारे देऊन आदेशाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. रात्री 8 वेळेची मर्यादा बदलावी, रविवारी हॉटेल सुरू ठेवण्याची परवानगी द्या अशी मागणी जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या मुकमोर्चामध्ये लँडमार्क हॉटेलचे संचालक तसेच समाजसेवक नितीन कदम, एतेशाम अहमद, श्रीकांत शाहू, पप्पू काळे, आशिष खत्री, सुमित शर्मा, अमोल बनारसे, आनंद भेले यांच्यासह अनेक हॉटेल रेस्टॉरंट व्यावसायिक सहभागी झाले होते. लॉजिंग असोसिएशन के माध्यम से आज सभी हॉटल व्यवसायी और सभी कर्मचारी के लोग लेकर आज हम यहाँ पे रस्ते पे उतरे हैं. हमारी कुछ विशेष मांगों को लेकर सरकार को हम जागरूक करें और सरकार जागे और व्यापार बचे, इसलिए आज का ये हमारा मुख्य मोर्चा था, जिसके माध्यम से विशेष करके कल महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुछ डिक्लेरेशन घोषणाएं व्यवसाय संदर्भ में बारे में हुई, जिसमें उन्हें रात 8 बजे तक का समय दिया है. वैसा देखा जाए तो हमारा व्यवसाय का जो मुख्य समय है वो शाम 7 से 11 बजे तक का है. तो हमारी पहली मांग ये रहेंगी कि हमें अपना व्यवसाय का समय मिले. जैसे बाकी लोग अपना अपना व्यवसाय अपने निर्धारित समय से कर रहे हैं, वैसा ही व्यवसाय का समय हम लोगों को मिलना चाहिए. आज सरकार ने बोला कि हम शनिवार को चालू रखेंगे, फिर रविवार को बंद रखेंगे. सप्ताह का रविवार ये एक दिन ये सबसे ज़्यादा ग्राहकी का दिन होता है और लोग बाहर निकलते हैं, तो वो भी एक रविवार को कंसिडर करना चाहिए. दूसरी बात यह है कि 1.5 साल में जितना भी नुकसान सर्विस इंडस्ट्री को हुआ है, इसमें विशेष करके जब हमारे होटल ही बंद थे तो महानगर पालिका का मालमत्ता कर, उसके बाद में बिजली, उसके बाद में GST, इन सब चार ही चीज़ों को हमें रियायत दी जाए. आने वाले दिनों में कुछ विशेष आर्थिक पैकेज इस क्षेत्र में दिए जाए, जो लोग बेरोजगार होकर अपने घर पे बैठे, क्योंकि हम पूरी क्षमता के साथ में अपना होटल नहीं चला पा रहे. आज भी 50% कामगार हमारा घर पे बैठा है, उन लोगों के लिए कुछ सहूलियत सरकार ने देनी चाहिए. आपने MSME में होटल व्यवसाय को पकड़ा था, उसके बारे में क्या हुआ, इसकी ये जानकारी, ये मांग हम कलेक्टर मैडम से करने वाले हैं कि ये सब सहूलियत सेवा उद्योग को मिलना चाहिए. जो सेवा उद्योग अपने बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंचा, कई सारे होटल्स, कई सारे व्यवसाय फूड इंडस्ट्री के माध्यम से इस लॉकडाउन के माध्यम से बंद हुए, तो मेरा निवेदन है रेस्टोरेंट लॉजिंग एसोसिएशन के माध्यम से कि सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे और इस व्यवसाय को जिंदा रखे. विदर्भ न्यूज ब्यूरो, अमरावती.